अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर देखा होगा कि कई सारे सीन्स को जानबूझ के अनप्रोफेशनल बनाया जाते हैं ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे। तो इसकी कुछ टिप्स मेरे जहन में जो मैं ख़ुद पर्सनली करता हूँ वो मैं दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक वीडियो है, ये वीडियो लाहौर की है और इसके ऊपर अगर हमने फ़िल्टर लगा दिया बैड टीवी का, आफ्टर इफेक्ट में होता है, फोटोशॉप में भी शायद होता है, फोटोशॉप नहीं सॉरी किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में होता है एक पुराने ज़माने का फ़िल्टर, तो वो मैंने लगा दिया अगर, तो अब देखें सीन कैसा लग रहा है। अब ये पुराने ज़माने का लग रहा है। अब जाहिर सी बात है पुराने ज़माने की चीज़ अनप्रोफेशनल लगती है, लेकिन यही जदीद मीडिया की एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कई सारी चीज़ों को पुराने जैसा दिखाओ ताकि सीन इंटरेस्टिंग लगे। तो अगर हमें एक दफ़ा का जिक्र है बोल के कोई वीडियो शो करनी है, ये एक और दूसरा इफेक्ट मैं एग्जांपल के तौर पर शो कर रहा हूँ, ये आ रहा है आफ्टर इफेक्ट में। बस आपको सर्च करना है बैड टीवी, बैड टीवी वन, बैड टीवी टू, बैड टीवी थ्री, ऐसे तीन फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से पुरानी विंडोज़, विंडोज़ 7 या विंडोज़ उससे भी पुरानी वाली का एक स्टाइल जो होता है, मिसाल के तौर पे ये एक वर्कशॉप का पोस्टर है, विल यू ज्वाइन न्यू जावा प्लस वर्कशॉप। तो फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा प्लस, तो उसके सिखाने के लिए एक पोस्टर बनाया हुआ है। तो उसके पीछे देखें जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा शार्प हुई हुई है, उसके ऊपर शार्पनेस बढ़ाई गई हुई है और हल्के से पिक्सल जिस वजह से अजीब सा लग रहा है। लेकिन और ये पुरानी विंडोज़ है, एक पुराना सीन है, लेकिन इससे एक अच्छा लुक आ रहा है क्योंकि पुरानी विंडोज़ से एस्थेटिक्स आ रहे हैं, एक फीलिंग्स आ रही है, वाइब्स आ रही है, जिस वजह से ये अच्छा लगेगा। सही है, बाय द वे जावा प्लस कोई लैंग्वेज है नहीं जहाँ तक मुझे पता है। इसी तरह एक नॉर्मल सी वीडियो है, अब मुझे दिखाना है कि ये पुराने ज़माने की लगे, ठीक है। तफरी में वीडियो में कोई सीन ऐसा डालना है कि किसी नए सीन को इस तरह दिखाना है कि वो पुराने ज़माने का हो, तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ इसके ऊपर इसका कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा हाई करना है। तो इसका कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गया और अब ये थोड़ा सा लग रहा है पुराना, लेकिन अगर इस पर हम मज़ीद ब्लैक एंड वाइट कर देंगे तो अब ये पूरा ही वैसी लगेगा जैसे 90s या 80s में कोई जंग की वीडियो है। सही है, जबकि ये लेटेस्ट पाकिस्तान के जहाज़ की है जो कि यूज़ नहीं होंगे। खैर, रिकॉर्ड चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है चीज़ों को रफ़ रखना। अब चीज़ें रफ़ अजीब सी लगती हैं कि यार ये रफ़ क्यों है, ये फेयर क्यों नहीं करके लाए आप, कल दोबारा हम वो करके आना है आपको। लेकिन नहीं, मीडिया में अक्सर कॉन्टेंट बनाते हुए फेयर चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, टेड एड एक चैनल है, उसने कई सारे टॉपिक्स पे वो अपनी नज़रियात एक्सप्लेन कर रहे होते हैं जो कि मुझे अक्सर सही भी नहीं लगते, लेकिन उनकी एक चीज़ जो मुझे सही लगती है वो है रफ़ स्टाइल। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं ये रफ़ करेक्टर्स बने हुए हैं, इनकी ड्राइंग एकदम सही नहीं है, इन्होंने चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी बनाई हुई हैं, लेकिन इसका एक प्रोफेशनलिज्म आ रहा है क्योंकि ये ख़ास येलो कलर में इसमें हाईलाइट हुआ हुआ है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने एक रफ़ स्केच के ज़रिए बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। एक और चीज़ है, पुराने ज़माने में जो गेम होते थे, क्योंकि कंप्यूटर के पिक्सल्स बहुत ज़्यादा नहीं होते थे तो गेम पिक्सल स्टाइल में बनते थे। तो हम देख सकते हैं हमारे पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि पिक्सल्स में हमारे पास करेक्टर्स और चीज़ें, मोशन ग्राफिक में मैं अक्सर यूज़ करता हूँ कि नॉर्मल बात एक्सप्लेन हो रही है, एनिमेशन आ रहा है, अचानक एक पुरानी ग्राफिक्स की चीज़ आना शुरू हो गई जो कि दिखने में मुझे बहुत अच्छी लगती है। मिसाल के तौर पर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं एक जगह पे बहुत अच्छा ख़जाना था, तो आप पिक्चर उठाए क्यों डाल रहे हैं? आप एक गेमिंग के स्टाइल में भी दिखा सकते हैं कि ये जगह थी, इधर एक ख़जाना था और ऊपर उसकी असली इन्फॉर्मेशन लिख दी डेट 1990s में पिक्सल वाले फॉन्ट में, तो एक गेमीफाई एक्सपीरियंस हो जाएगा देखने वाले का। और ये मेरे अपने आइडियाज़ नहीं है, मैंने बड़े बड़े प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों को देखा है कि किस तरह वो अचानक ऑडियंस का इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए विजुअल स्टाइल चेंज करते रहते हैं। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि मिसाल के तौर पे आपके एड या वीडियो में एक्सप्लेनेशन के वक्त घड़ी की डिस्कशन आ रही है तो आप घड़ी पुराने ज़माने की यूज़ करें, या चाबी की डिस्कशन आ रही है तो आप पुराने ज़माने की चाबी यूज़ करें। ऐसे एलिमेंट्स मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि नए ज़माने की चाबियाँ दिखने में इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी पुराने ज़माने की चाबियाँ लगती थी, एक मिस्ट्री फैंटेसी फीलिंग आ रही होती थी। एक और चीज़ जो आप एडिटिंग के वक्त वीडियो में कर सकते हैं जिससे थोड़े पुराने ज़माने का लुक आए और थोड़ा अनप्रोफेशनल हो जाती है चीज़ लेकिन उससे इंटरेस्टिंग लुक आता है, वो ये है कि मिसाल के तौर पर नॉर्थ कोरिया के सदर है, इसके ऊपर अगर मैंने दो इफेक्ट डाले, आई थिंक हर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में होंगे, पोस्टराइज टाइम और वाइट टाइम, ये दो इफेक्ट्स अगर आप किसी वीडियो पर डाल देते हैं तो अब देखें वीडियो हल्की सी अटक अटक के प्ले होगी, किस तरीके से ये अटक अटक के आगे बढ़ रहा है, इस वीडियो के फ्रेम्स कम हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको किसी कैरेक्टर की बैकग्राउंड स्टोरी बतानी है कि ये एक बहुत बड़े क्या कहते हैं शहर के बदमाश थे और एकदम हल्के हल्के से स्लो मोशन में अटक अटक के चल रहे हैं, तो एक क्रीपी फीलिंग आ रही है जिस वजह से सीन दिखने में मज़ीद इंटरेस्टिंग लगेगा। तो यही कहना था कि रूल्स तोड़ने से भी सीन अक्सर इंटरेस्टिंग हो जाता है,
तो कहते हैं ना कि जो होना था वो तो होता ही है, लेकिन बात उसके बारे में होती है जो नहीं होना चाहिए था। तो वीडियो चल रही है, अचानक सब कुछ उल्टा हो गया, टैक्स उल्टा लिखा हुआ आ रहा है, पढ़ने वाले को पढ़ने में मुश्किल हो रही है। तो ये चीज़ हो सकता है दिखने में इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन इसमें ज़ाहिर अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो फजूल में इतनी ज़्यादा लंबी नहीं करना, पूछ लेना क्लाइंट से कि क्या आप मुझे क्रिएटिव फ्रीडम दे रहे हैं और मेरा वर्क आपने देखा हुआ कुछ उस तरह की क्रिएटिविटी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो क्लाइंट के कंसर्न के साथ हो सकता है क्लाइंट अलग स्टाइल चाह रहा हूँ और आपने फजूल में फंकारियाँ कर दी और आपकी ख्वारी लग गई, क्लाइंट गायब हो गया। खैर, तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। मैं उस्मान फ्रॉम क्रिएटिव ग्रीन, शुक्रिया।